राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के सभागार में शनिवार को जेडी जोगेंद्र नाथ सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा नीति के संदर्भ में संस्कृत माध्यमिक शिक्षा और संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक ने कहा कि नई शिक्षा नीति में संस्कृत को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकतर छात्र हैं संस्कृत पढ़ने से डरते हैं, उन छात्रों को संस्कृत की शिक्षा से होने वाले लाभ के बारे में बताना होगा और संस्कृत पढ़ने से वह किन किन क्षेत्रों में अपनी सेवा दे सकते हैं उनको जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी होती जा रही है, संस्कृत शिक्षा के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा जिससे छात्र संस्कृत विषय में रुचि ले सकें। इस मौके पर महमूद शकील खां, गोरखनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अरविंद चतुर्वेदी और जनपद के संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अध्यापक व अध्यापिका मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने कहा, एक विचार है शिक्षा नीति, मतलब एक विचार है इसका अभी कैसे कार्य होगा, कैसे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। +3, +3, +2 ये तो लागू हुआ। हम सबसे महत्वपूर्ण जो है अध्याय 4 के अनुच्छेद 13 की चर्चा करना चाहते हैं। कार्य अनुच्छेद 13 में संस्कृत को भाषा के अंतर्गत कहीं भी किसी भी प्रांत में कहीं भी किसी भी तरह से कहीं न कहीं किसी ने कहीं मिल गया पढ़ने के लिए अथवा कोई और विषय मिल गया वह केवल इसमें हुआ है। इस शिक्षा नीति में यह विकल्प खोला गया है। संस्कृत को अब कैसे कक्षा 1 से 5 तक कैसे इसको अनिवार्य किया जाएगा, इसमें मूल यह कह दिया गया है कि सबसे पहले इसका प्रचार प्रसार किया जाए। अब यदि आप लोग प्राइमरी स्कूल में यदि किसी बच्चे को संस्कृत पढ़ाने के लिए कहेंगे तो सबसे पहले वो करता है कि संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसको कैसे रुचिकर बनाया जाए, उसको कैसे छाया के रूप में अथवा उसके नाटक के रूप में अथवा एक कहानी के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए, यह इस शिक्षा नीति में है। और कैसे आम जन की भाषा बने संस्कृत, आप उसका अध्ययन करें तो आप निश्चित पाएंगे कि आम जन को कैसे यह संस्कृत प्राप्त हो सकती है। जहां जब तक हमारे विद्यालय में आज से पक्का भी हो गए थे कि संस्कृत के छात्र कम होते जा रहे हैं, निश्चित कम होंगे और कम हो गए हैं क्योंकि हमको उनके अंदर रुचि पैदा करनी है। जब तक कोई रुचि नहीं पैदा करेंगे उनको जो है यह समझ नहीं आएगा कि संस्कृत पढ़ने से हमको क्या लाभ है, संस्कृत को पढ़ करके हम कहाँ जाएंगे, क्या इसलिए रोजगार है अपना, इसको उसके दिमाग में जब तक नहीं हो घुसेगा कि संस्कृत पढ़ने में हमको रुचि दिखाई दे रही है तब तक वह संस्कृत पढ़ना नहीं चाहेगा। यह इस नूतन शिक्षा नीति में लाया गया है। प्राचार्य महोदय उपस्थित, मंचासी हमारे अन्य प्राचार्य और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे प्राचार्य साथी प्राचार्य बहने नई शिक्षा नीति की जानकारी देने में से आज की सर ये इतने शिक्षकों बैठक हो रही है, किस संबंध में की जा रही है और क्या क्या जानकारी दी जा रही है? बताया ना कि नई शिक्षा नीति के विषय में जानकारी देनी है
और संस्कृत विद्यालय की आज बैठक बुलाई गई है और इस उद्देश्य से कि सभी को इसके विषय में अवगत कराया जाए और ताकि ये पहले से इनको जानकारी रहे और जब ये नई शिक्षा नीति हमारी लागू हो तो उसको लागू करने में कोई कठिनाई न हो।